अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपड़ी ने सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ा है। आपको बता दें कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान पर प्रतिबंध लगाने की मांग उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि जब सऊदी अरब में प्रतिबंध लगा हुआ है तो भारत में क्यों नहीं, साथ ही क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। भारत में क्यों नहीं, जब सऊदी अरेबिया में जहां इस्लाम की जो धरती है वहां पर सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जब मस्जिदों से जो ऊंची ऊंची आवाजें होती थी लाउडस्पीकर से उसको रोक दिया गया, तो फिर भारत में क्यों नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि भारत भी सऊदी अरेबिया से सीख लेते हुए सार्वजनिक जगहों पर पढ़े जाने वाले नमाज को रोका जाए, क्योंकि इससे यातायात प्रभावित होता है और समाज में वैमनस्यता पैदा होता है। दूसरी तरफ जो मस्जिदों से ऊंची ऊंची अजानों पढ़ी जाती है तेज आवाज करके, उसको पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए और यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग को भी इसे सीख लेना चाहिए सऊदीया से, और सीख लेते हुए तत्काल कोई भी ऐसे कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे लोगों को असुविधा हो, लोगों को परेशानी हो, समाज और देश में ध्वनि प्रदूषण हो, सार्वजनिक यातायात प्रभावित हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि समाज हित राष्ट्र हित में भारत सरकार को भी ये निर्णय लेना चाहिए और भारत के मुस्लिम संस्थाएं भी इस पे आगे आकर के इस पे किसी भी तरीके से इस पे रोक लगना चाहिए।